देश में अब ट्रिपल तलाक देना होगा कानून और अपराध। राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लेगा कानून का रूप। ट्रिपल तलाक बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने दी मुस्लिम महिलाओं को बधाई, ट्वीट कर लिखा करोड़ों मुस्लिम बहनों को मिला सम्मान से जीने का हक। ट्रिपल तलाक बिल पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए, कहा बिल मुसलमानों को सजा देने के लिए अनुचित दखल। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना, कहा पीडीपी ने बिल के विरोध में वोटिंग न कर सरकार की मदद की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी किया बिल के पास होने का विरोध, बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान। ट्रिपल तलाक बिल पास होने पर बोले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, कहा देश में बदलाव का गतिमान कार्यक्रम शुरू हो चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन की सिफारिशों पर विचार कर रही है सरकार। राज्यसभा से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019, दस्तखत के बाद बन जाएगा कानून। कश्मीर में टुकड़े टुकड़े गैंग को गवर्नर सत्यपाल मलिक का जवाब, कहा पाकिस्तान के साथ जाना ही आजादी है तो चले जाएं, हिंदुस्तान को तोड़कर नहीं मिलेगी आजादी। इशारों इशारों में कश्मीर में मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवारों पर भी सत्यपाल मलिक का निशाना, कहा कश्मीर में राज करने वालों ने दिखाए आजादी के सपने। उन्नाव रेप पीड़ित के साथ हुए सड़क हादसे की जांच करेगी सीबीआई, राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन। सड़क हादसे में घायल उन्नाव रेप पीड़ित की हालत गंभीर, अब भी वेंटिलेटर पर है पीड़ित लड़की, ब्लड एक्सीडेंट की वजह से फेफड़ों में गंभीर चोट। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस की छापेमारी, चोरी की किताबों की तलाश में हुई कार्रवाई, रजा लाइब्रेरी और मदरसा आलिया से किताबों की चोरी की मिली थी शिकायत। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी बढ़ सकती है मुश्किल, पासपोर्ट में जन्म तिथि की गलत जानकारी देने के मामले में केस दर्ज। देशभर में आज मरीजों को हो सकती है मुश्किल, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2019 के विरोध में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की एक दिन की हड़ताल, इमरजेंसी सेवाओं पर अताब मजूमदार, लॉन्च करेंगे नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास सीज फायर का उल्लंघन, बांदीपुरा के गुरेज में एक महिला की मौत, तंगधार में 9 नागरिक घायल, फायरिंग में 2 घुसपैठिए मारे गए। संदेसरा बैंक घोटाले में कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद इरफान सिद्दीकी से ईडी की पूछताछ, 14,500 करोड़ के घोटाले में 9 घंटे तक सवाल जवाब। सीसीडी के प्रमोटर वीजी सिद्धार्थ का शव बरामद किया गया, मेंगलुरु में मिला शव सोमवार से थे लापता।